हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ एक कुर्ते की डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसमें नेक बनाया है, स्लीव में भी डिज़ाइन है और साथ में फ्रंट प्लेटेड कुर्ता है। देखिए, मैंने जो कपड़ा बिछाया है वो डबल फोल्ड में है, फ्रंट पल्ले का कपड़ा है। तो 7 इंच मैंने ऊपर शोल्डर पे लिया हुआ है। 7 इंच पे आपको 7 इंच से लाइन बनानी है और ऊपर से 7 इंच आपको आर्म होल के लिए कटिंग करनी है। तो 7 इंच का ये निशान जो लगेगा ये आर्म होल के लिए लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना। चेस्ट का निशान जो भी आपके कुर्ते का है उस हिसाब से निशान लगाइएगा। उसके बाद आपको 1.5 इंच मार्जिन देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, 7 इंच पे, मतलब हम लोग जैसे 13.5 इंच पे करीब चाक का निशान लगाते हैं, तो 13.5-14 इंच पे, तो उस हिसाब से आपको एक मार्क लगा लेनी है और एक 7 इंच पे निशान लगाना है। और आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों जगह पे। अभी देखिए, 1.5 इंच पे आर्म होल की हम गोलाई बनाएंगे। ये फ्रंट पल्ला कट रहा है तो पहले हम इसको इस तरीके से बनाते हैं 1.5 इंच पे, बाद में हम इसको जब बैक का पल्ला कटिंग कर लेते हैं तो इसको थोड़ा गहराई दे दी जाती है। अभी हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। जो हमने प्लेट्स लगानी है सामने उसके हिसाब से 4.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। और ऊपर से 12.5 इंच पर आपको एक लाइन सीधा खींचनी है। तो 12.5 और 4.5 इंच का एक बॉक्स जैसा आपको बना लेना है। अभी आपको क्या करना है कि दामन पे निशान लगाना है। तो दामन, चूँकि प्लेट्स पड़ेगी इसलिए दामन चौड़ा होगा, तो करीब मैंने 13 या 14 इंच के हिसाब से लिया है। तो ये टोटल 26 इंच करीब दामन होगा चौड़ाई में फ्रंट पल्ले का। बैक का पल्ला आपका नॉर्मली होगा। इसको निशान लगाना है आपको नीचे से ऊपर की तरफ। और आपका जो हिप साइज़ है वो आप वो वाला चाक का निशान भी इस पर वहीं पर लगाएंगे। बस आपको जो सेंटर में, जो सेंटर कमर वाला जो हिस्सा होता है उस पर आपको ध्यान रखना है कि वो निशान भी आपका हिप्स के हिसाब से ही लगेगा, मतलब वो आपकी कमर की फ़िटिंग पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस पर फिटिंग प्लेट्स लगाएंगे। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और ये सीधी सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। अभी आप कटिंग कर दीजिए, जो भी आपने मार्क लगाया उस हिसाब से आर्म होल से कटिंग कर दीजिए इस तरीके से यहाँ पे। हमारे ये कुर्ते की देखिए कटिंग हो गई है फ्रंट पल्ले की। अभी आपको क्या करना है कि सामने जो मैंने 4.5 इंच पे यहाँ पे कट लगा देना है आपको। अब यहाँ पे हम प्लेट्स पड़ेगी इस तरीके से। आगे जाके आप वीडियो यदि पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इधर आपको क्या करना है कि सुई में धागे को मतलब डाल के और उस सुई से आपको छोटी छोटी प्लेट लगानी है। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस तरीके से प्लेट लगाएं। अभी आपको क्या करना है कि जो हमने लाइन 12.5 इंच की हाइट में खींची थी उसको वहाँ से हमको सीधा पूरा कट कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि करीब 1 से 1.5 इंच जितना भी आप चाहते हैं, 4 इंच मैंने ले लिया था, तो सॉरी 3 इंच लिया है, बाकी हमारा 4.5 इंच था तो 1.5 इंच मार्जिन बच गया। तो ये आपको एक्स्ट्रा कट कर देना है, हल्का सा तिरछा करके कट कर दीजिए। ये आपको नाइफ पे वापस फिर से मतलब वहाँ पर फिट करना है। देखिए, इसको इस तरीके से हम रखेंगे। बाद में हम जो टाका लगाए हैं प्लेट्स के लिए उसको भी हम कट कर देंगे। इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। रखें थोड़ा सा दोनों तरफ मार्जिन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम बाद में जब ऊपर की तरफ कपड़े को पलटेंगे तो हमको कपड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। देखिए इस तरीके से अभी आपको ना, ये देखिए ऐसे करके आपको इसको पिन अटैच कर लेनी है। फोल्ड जो आपने छोड़ा होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपको
पिन लगा लेनी है सब जगह। अब आप इस पे एक सिलाई लगा दीजिए फिनिशिंग वाली। और आप जब ये कपड़ा ऊपर की तरफ आप रखेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका 7 इंच था तो कम से कम 6.5 इंच ऊपर आपका बचना चाहिए। अब इधर पे हम लेस लगा देंगे, जो भी आपको लेस लगानी है। थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर बनाने के लिए मैंने वो धागे की रील से थोड़ा सा छोटे छोटे से धागे को कट करके एक डिज़ाइन बना दिया है, लगा दिया है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप कुछ और भी लगा सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, जो ठीक लगे। इसकी जगह का आप कोई लटकन टाइप का भी मोती भी किसी तरह की इस तरह की डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। अब अभी आपको इस पे नेक का डिज़ाइन बनाना है, तो नेक आपका ऐसा बनाइए कि आपका अंदर ही आए, तो उसको पहले से आप नाप लीजिए। आप मैंने बकरम पे देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। डीपनेस इसकी 7 इंच है। अभी इस पे बचे हुए कपड़े पे इसको पेस्ट कर लीजिए बकरम के नेक को, और इस पे कच्ची सिलाई लगा दीजिए पहले। उसके बाद साइड से इसको फोल्ड कर दीजिएगा। अब इसको पलट देंगे अंदर की तरफ। अब इसका आप सेंटर पॉइंट बना लीजिए और इसको नेक पे सेंटर में एकदम बिठा दीजिए बहुत अच्छे से। और इसको बिठाने के लिए आप पहले पिन लगा दीजिए, देखिए उसमें भी सेंटर पॉइंट है, इसमें भी बना दिया है। दोनों को एक के ऊपर एक रख के, और आपको एक लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। दोनों दोनों लाइन पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वैसे ही रखेंगे तो नेक इधर उधर नहीं जाएगा। अभी इस पे एक फिनिशिंग सिलाई लगा दीजिए पलट के नेक को। तरीके इससे मतलब मैंने एक लेस का टुकड़ा और लगा दिया है, तो थोड़ा और अच्छा सा नेक लाइन बन के तैयार हुई है। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट नेक तैयार हो जाता है। अभी मैं स्लीव्स की आपको डिज़ाइन बताऊंगी। स्लीव्स के लिए मैंने जो साइड से बचे हुए लेंथ में कपड़े की कटिंग बची थी उसी के पीस वाइज मतलब 4-5 पार्ट थे, तो मैंने सारे अटैच कर दिए थे और पलट के उस पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है।
स्लीव्स तो मैंने पहले से कटिंग करके रखी थी, लेकिन ये फैब्रिक हमारा बचा हुआ था साइड से सारा, तो मैंने सारा टुकड़े जोड़ दिए हैं, चार पांच पीस थे तो मैंने चार पांच पीस सारे जोड़ के और उसमें फिनिशिंग वाली एक एक सिलाई लगा दी है। अभी आपको क्या करना है, इसको फोर फोल्ड में रखना है। देखिए डबल फोल्ड किया है मैंने इसको, अब इसको फोर फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड करने में आपको ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से ट्रायंगल बना के। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारी दोनों स्लीव्स में लगेगा। तो ये देखिए दो पल्ले दो रुमाल टाइप के पैटर्न में बन गए। हमारे पास फैब्रिक इतना नहीं था तो कम था तो हमने कम में बना दिया है। इसको देखिए अभी इधर से हम निशान लगा देंगे, जितना भी आपके पास कपड़ा उस हिसाब से गोलाई में एक निशान लगा दीजिए। अभी आपको क्या करना है कि जो जितना आपकी स्लीव्स की मोहरी होगी उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच करीब, 2.5 से पौने 3 इंच का निशान लगा के मैंने यहाँ से, क्योंकि हमारी 6 इंच के आप अप्रॉक्स मोहरी होती है तो हाथ की, तो इस हिसाब से मैंने देखिए बना दिया है। अभी इसको हम इसमें आपको क्या करना है, पीकू करना है, तो मैंने पीकू कर दी है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर देंगे जो कटिंग की करके रखी थी स्लीव्स की, और उसमें अभी हम इसको फ्रिल को अटैच करेंगे। इसमें एक सेंटर निशान लगा लीजिए आप पहले चौक से, और यहीं से फ्रिल लगाना स्टार्ट करिए। तो फ्रिल का एक पॉइंट आप यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करिएगा। अभी दूसरी साइड से इसकी सिलाई लगा दीजिए। दोनों तरफ से आपको सिलाई लगानी होगी। सेंटर से पहले स्टार्ट करेंगे तो इस साइड ले आएंगे, फिर अपोजिट साइड, तो उसको आप रिवर्स में लगा दीजिएगा तो वापस आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डबल सिलाई हो जाएगी साथ में। देखिए हमारी फ्रिल बन गई है स्लीव्स में, बहुत कम कपड़े में मैंने फ्रिल बना दी है बचे हुए टुकड़े से। अभी आपको इसमें क्या करना है, लेस लगा देना है। जो लेस मैंने कुर्ते में फ्रंट पे लगाई थी उसी को हमने यहाँ पे स्लीव्स में अटैच कर दिया है। हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है, अब हम इसको अटैच कर देंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।